शहर के ऊपर बादलों के बसेरे, ठंडी ठंडी हवाएं, 13 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। आज कम से कम दर्जा हरारत 13, ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए। हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम और सफदर दरखास्त पर समाअत आज होगी। नैब की तफ्तीश में मुकम्मल तावुन कर रहे हैं। नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करना खिलाफ कानून है। अदालत नामों को ECL से निकालने का हुक्म दे, दरखास्त गुजार की इस्तदा। दफ्तरी अमूर में मसाइल, काम का बोझ। 7 साल बाद लाहौर की एक और तहसील बनाने का फैसला। नई तहसील का नाम नियाज बेग होगा। दरियाई एरिया, रायवंड और इकबाल टाउन के इलाके शामिल किए जाएंगे। नियाज बेग तहसील बनने के बाद तहसीलों की तादाद 6 हो जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को समरी इरसाल। नई तहसील बनाने की हतमी मंजूरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के बाद वजीर आला पंजाब से मशरूत होगी। पुराने दरामदी मोबाइल फोन पर जायद टैक्स वसूली। मोबाइल ट्रेडर का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। होल रोड और हफीज सेंटर मार्केट में आज 2 घंटे शटर डाउन रखने का फैसला। पाकिस्तान अंजुमन ताजिरा लाहौर का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। पहले अबू बचाओ फिर अबू निकालो मूवमेंट। पीपल्स पार्टी और नून लीग फवाद चौधरी के निशाने पर। वफाकी वजीर इत्तला'आत कहते हैं सिर्फ अबू के पैसों पर सियासत करना नाकाफी है। बोले नैब के खिलाफ सियासी मुहिम जोई का जवाज नहीं। बिलावल को भारतीय मामलात पर ट्रेन मार्च का मशवरा भी दे दिया। बोले सिंध से हिंदू लड़कियों के अगवा के मामले की तहकीकात जारी है। नवाज शरीफ जब राजी हो जाएंगे तो अस्पताल में इलाज शुरू हो जाएगा। नून लीगी सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए एहतजाजी सियासत कर रही है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मामूल का मेडिकल चेकअप। डॉक्टर्स ने ECG, ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर टेस्ट किए। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं। वो दुआ है, छाव है, साया है, साइबान है। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में माँ से मोहब्बत और खिदमत की तलकीन करते हुए कहा कि माँ की जिंदगी में इनकी कदर कीजिए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने ट्वीट किया। ट्रेन रोकने वाले गिरफ्तार जज्बाती मतवालों की जमानत मंजूर। अदालत ने 30,000 मचलकों के इवज जमानत मंजूर कर ली। UC चेयरमैन राय लियाकत, शफकत हुसैन पांडा और मोहम्मद नदीम को कोट लखपत जेल के बाहर ट्रेन रोकने पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को मजीद 2 दर्जन कारकुनों की तलाश। ख्वाजा इमरान नजीर कारकुनों की गिरफ्तारी पर बरहम। बोले कहने को जमहूरी दौर है लेकिन आमरियत मुसल्लत है। बेगुनाह कारकुनों को गिरफ्तार और तशद्दुद किया गया। दुनिया में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रुपिंग हो रही है। मुल्क को इकोनॉमिक इंजन बनाने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। जौहर टाउन में मैनेजमेंट हाउस के जेर एहतमाम लर्न फेस्ट इवेंट का आखिरी रोज। तलबा की भरपूर शिरकत। शुरका ने तलबा को लेक्चर दिए। खेल का खेल और तहफ़ का तहफ़। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में मार्शल आर्ट के मुकाबले। नौजवानों ने सलाहितों के खूब जौहर दिखाए। स्कूल और कॉलेजेस के खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने किक, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट के मुकाबलों को मुस्तकबिल के लिए खुशाइन करार दिया। जश्न बहारा मेला, नहर की सजावट निराली। हसीन नजारों से लुत्फानंदोज होने वाले लोग गाड़ियों से उतर कर नहर किनारे आ गए। मुल्की सकाफत नुमाया करते फ्लोट्स भी तवज्जो का मरकज। शहरी फैमिलीज के हमराह सेल्फियां बनाते रहे। बहार के रंग, लाहौर कार्निवल के दूसरे रोज रौनकी और भी ज्यादा। म्यूजिक कॉन्सर्ट समेत रंगारंग प्रोग्राम। खाबों के स्टॉल्स भी सज गए। शहरियों की जौक दर जौक आमद। जलानी पार्क में कैट शो। काली, ब्राउन और सफेद रंग की बिल्लियां तवज्जो का मरकज।